कटनी जिले में स्व सहायता समूहों के माध्यम से धान की खरीदी हो रही है और इसी बीच कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के अंतर्गत मुरवारी खरीद केंद्र पर धान की खरीदी के दौरान बाहर से लाई गई अवैध धान के बेचे जाने का मामला सामने आया है। यहां से दो ट्रैक्टर और एक पिकअप में जबलपुर से लाई गई धान को जब्त किया गया है। ये कार्यवाही जूनियर सप्लाई ऑफिसर प्रमोद मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा की गई। इस दौरान तहसीलदार भी मौजूद रहीं। स्थानीय स्तर पर मिली एक सूचना के बाद तहसीलदार और जूनियर सप्लाई ऑफिसर की टीम ने यहां निरीक्षण किया, तब पाया कि जबलपुर के ग्राम लमतरा से अमर सिंह पटेल के द्वारा प्रमोद पटेल के नाम पर यह धान लाई गई और यहां बेचने का प्रयास किया गया। बहरहाल प्रशासन इस मामले की जाँच कर रहा है। धान उपार्जन केंद्र मुरवारी का आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया जी। और निरीक्षण के दरमियान धान उपार्जन केंद्र में विक्रय के लिए 5 ट्रैक्टर और 1 फोर्स गाड़ी आई हुई थी। धान उपार्जन केंद्र के बाहर ये गाड़ियां, ये ट्रैक्टर और गाड़ियां खड़ी हुई थी जी जी। प्रथम दृष्टया जब इनसे पूछताछ की गई और इनके जो जवाब आए, इनकी जो जानकारियां आई जी, वो जानकारियां शंकास्पद लगी जी। और शंकास्पद होने के साथ साथ जब उनसे गहन सघनता के साथ पूछताछ की गई तो 2 ट्रैक्टर लमतरा निवासी श्री अमर सिंह के द्वारा जी अपने साले प्रमोद पटेल के द्वारा मंगाए जाने पर यहाँ धान उपार्जन के लिए समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए लाया जाना पाया जी, गया जी। उन पर कार्रवाई हो चुकी है जी, जब्ती और जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है। सर कितने क्विंटल हो गई धान? एक में दोनों में मिला के लगभग 75 क्विंटल धान दोनों ट्रॉलियों में।